पेपर अपना मिल गया और सीधा निकलते हैं विजयवाड़ा। तो गाइस अपना लोड है विजयवाड़ा का, तो अभी यहाँ से सोलापुर वाले रोड पे जाना है, सोलापुर से हैदराबाद फिर विजयवाड़ा। चल गई, ये स्टार्ट हो गया कैमरा, ये 3D कर दिया, अभी पीछे लगे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग यार, अभी हम हैं रंजन गांव। तो यार रात में लगभग 4 बजे आके रंजन गांव में सो गए थे, क्योंकि यहाँ से यार 4 कार और 3 कार पूना से है यार। अभी ना फ़ोन किया तो बोले कि अंदर गाड़ी लेके आ जाओ, तभी चलते हैं अंदर। तो इसके पहले यार एक बार गाड़ी लोड है तो इसमें पता चल जाता है कि अपना कौन सा टायर में हवा कम है कौन में नहीं, तो अपना टायर दोनों बराबर है। तो अभी यार रंजन गांव ये पार्किंग रहा टाटा की कि भाई जीप की है पता नहीं, और अभी सीधा निकल रहे हैं आगे गाड़ी को लोड करने। यार वहाँ से अपना 3 कार है, यहाँ से अपना 4 कार, तो सब मिला के 7 कार। अभी देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है, क्योंकि यार ये बोल रहे हैं कि यार 4 कार आएगी नहीं क्योंकि चोंच नहीं है इसके लिए। अभी अंदर डालते हैं फिर देखते हैं कितना लोड होती है। चलो गाइस कंटिन्यू किया था ब्लॉग, और लोड करके ना फिर आपको बताता हूँ कि लोड कहाँ का है और कहाँ जाना है। तो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो फुल इंजॉय करो। तो गाइस यार अपनी गाड़ी ना वहाँ से बाइक लाई और अभी लेके जा रहा हूँ सीधा, क्योंकि यार थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है यहाँ पे गाड़ी निकालने में। ये जो जगह दिख रही ना यहाँ पे थोड़ा कट छोटा पड़ता है, तो डर लगता है कि इधर टायर ना, देखो अभी आपको दिखाता हूँ टायर दबते हैं। यार टायर चढ़ेगा क्या, चढ़ गया यार टायर पीछे अपना पत्थर पे। ये थोड़ा सा कट जो है ना इसको थोड़ा बड़ा चाहिए था। अभी देखो निकलेगी कैसे अपनी गाड़ी। वहाँ से गाड़ी देखो अच्छे से निकल गई ना, और वहाँ पे यार अपना टायर मतलब सबको लगता है, तो जो बचा के निकालते हैं उनका निकल जाता है, नहीं तो फिर वहाँ पे टायर अपना ना लगता है। अभी यार बोले हैं 5 मिनट रुकने के लिए, कोई बात ना कोई बात ना, ये बोले 5 मिनट रुक जाओ, तो 5 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं, शायद ये गाड़ी बैक होगी। ये सब गाड़ियाँ लगी रोड पे ना, तो इसके लिए ये गाड़ी निकल नहीं पा रही है, क्योंकि सीधा जा नहीं रही है, पता ये जाएगी पार्किंग में तो वो वाली गाड़ी सीधा लगी है। तो इसके लिए गाइस अभी मेरे हिसाब से 15-20 मिनट से ये लोग लफड़ा कर रहे हैं कि भाई गाड़ी आगे पीछे करो, हम तो भाई साइड लगाए इसलिए कि हम सीधा जा रहे थे अंदर, पर वॉचमैन ने बोल दिया कि गाड़ी इधर ही रोको अभी अंदर जगह नहीं है, 15 मिनट रुको, तो 15 मिनट से ज़्यादा हो गए अभी कुछ बोले भी नहीं। तो फाइनली वो गाड़ी हट रही है, अभी ये गाड़ी टर्न ले रही है, लक्ष्मी कार कैरियर प्राइवेट लिमिटेड गाइस, सेमलैक्स का ट्राला है, सीधा ये चल गई पार्किंग में। अभी हमें भी जल्दी से परमिशन मिल जाए और हम भी धीरे से ना अंदर घुस जाए, तभी देखो फिर से ये गाड़ी यार आगे बढ़ा लेनी चाहिए या पार्किंग में डाल लेनी चाहिए, पर ये फिर से बाइक ला के यार यहीं पे लगाएंगे, फिर दूसरी गाड़ी आगे तो दिक्कत आएगी। अभी ये वॉचमैन कॉल कर रहे हैं कि भाई गाड़ी अंदर भेजूँ कि नहीं, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, तो इसे
ये है ना, ये LED है। चाबी काटने के बाद इधर का बल्ब ऑफ हो जाता है। अब यार 3 कारें हमारी हैं, तो अभी फाइनली 2 कार ऊपर डाल दी और अभी इधर से उधर 3 कार हैं, इधर से 4 कार लेनी है और 2 कार ऊपर डाल दी है और ये कुछ सब अभी ले जाके डालनी है। तो अभी धीरे धीरे गाइस ना लेके चल रहे हैं अंदर ट्राली के साइड में। यार क्या बताएं, जिंदगी और कुछ नहीं, यही सब है यार इसकी और मेरी कहानी है। भाई अपना ट्राला किधर है, और ये है ऑटोमेटिक का, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। इसको यार इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, स्टार्ट हो गई। अब इसको ना थोड़ी पीछे लेनी है। इसका ना सबसे अलग है, फाइनली अभी नहीं हो गई स्टार्ट, ऐसे भी चालू हो गई। अभी ये ना न्यूट्रल में है और इसका हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और रिवर्स गियर लगाते हैं। ये पीली पट्टी दिख रही ना, इसको यार बटन है, राइट में चल गई। ये स्टार्ट हो गया कैमरा, ये 3D कर दिया। अभी पीछे लेते हैं, इसको ना फिर दबाते डी ड्राइव करते हैं आगे ड्राइव पे। अब सीधा गाइस सामने का इधर व्यू दिखा रहा है। टाटा भी अजीब 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 सी कारें बनाते भाई। तो अभी हमारी एक कार बाकी रह गई है, ये वाली, और प्यास से भूख से ना जान जा रही है। तो फटाफट ना इसको भी यार अनलॉक करते हैं और चलते हैं लेके। ऐसे भी इतनी ये कार ना बहुत हीट है। अरे यार कौन कोई देखता है, इसमें बहुत हीट है। इसको भी फटाफट लेके चलते हैं गाइस, और लास्ट फाइनली ये है। और अपना फटाफट लूट करके ना फिर खाना खाने चलेंगे। अरे एसी ऑन हो जाए यार, चिल्ड कर फटाफट, गर्मी लग रही है। नाम उन तमाम फौजियों को जिन्होंने रखा महफूज। रेडियो तो और है भाई, रेडियो और चालू हो जाता है। हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इसके बाद बैक गियर लगाते हैं, पीछे जाने देते हैं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और फाली फलका उलका बंद करके लोड करके ना चल रहे हैं खाना खाने। तो अभी हमारा पेपर बन रहा है और सामने से गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं अंदर लोड होने के लिए।
और फाइनली अपना तो अभी पेपर बन रहा है, पेपर जब तक बनेगा तब तक हम ना नहा के खा लेंगे। और यार सच बताऊँ तो प्यास और दोनों लगी है क्योंकि थोड़ा गर्मी है ना इधर इस टाइम। तो अभी टाइम बता दूँ आपको तो 2 बज रहे हैं। तो अभी खाना वाना खा के यार वापस आ चुके हैं और अपनी गाड़ी ये खड़ी है, इंतज़ार कर रही है कि फटक से आओ और बाहर निकालो, क्योंकि ये भी ना एक जगह खड़ा होके ना परेशान हो जाती है। इसके लिए अभी इसका केबल बटोर के रखना है बॉक्स में, उसके बाद निकलना है आगे। अभी आगे का ये एक नज़ारा देखो भाई, ये ज़मीन सी ना ऊपर नीचे है, दिख रही है पूरा। इधर बकरी की आवाज़ आ रही थी, यहाँ बकरी है। तो अभी यार वो अपना जो केबल है ना, केबल पहले बटोर के अंदर रखते हैं, केबल अंदर रख के नहीं तो टूट जाएगा। उसके बाद ये पेपर अपना मिल गया और सीधा निकलते हैं विजयवाड़ा। तो गाइस अपना लोड है विजयवाड़ा का, तो अभी यहाँ से सोलापुर वाले रोड पे जाना है, सोलापुर से हैदराबाद फिर विजयवाड़ा। सुबह अपनी गाड़ी जहाँ सिम्लेक्स की गाड़ी लगी है ना यहाँ पे अपनी गाड़ी लगाई थी। अभी इस टाइम हम जा रहे हैं लोड करके आगे, और सच बताऊँ तो अभी आगे जाने का मन नहीं है क्योंकि सोना है गाइस, रात में सोया ही नहीं। अभी देखो लोड हो गई दिन भर जाके, अभी अपना यहाँ से मारना है राइट, तो आराम से मार लेते हैं। अब सीधा कुछ दूर निकलते हैं आगे से, भी रास्ता थोड़ा समझेंगे क्योंकि यार रास्ता समझना बहुत जरूरी है। रास्ता समझ लेंगे ना फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना, चलते रहेंगे सीधा सीधा। यार थोड़ा सा स्टॉप करेंगे गाइस गाड़ी को अपने, तब भूर्मी पार करके यार सरदार जी का होटल मिला, गाड़ी वहाँ पे लगा दी और खाना पीना खा के ना मस्त आराम से ले लिया। क्योंकि यार मैं लगभग यार 2 से 3 दिन अच्छे से सोया नहीं, भाई 3 दिन लगभग अच्छे से ना सोया नहीं, इसके लिए यार थोड़ा थकान सी और फिर ये वाली आँख ना दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों ऐसे जैसे लग रहा है ना कि आँख लड़की सी है, ऐसा दर्द हो रहा है, ये बाजू में हो रहा है और जैसे लग रहा है कि आँख बाहर आ जाएगी ऐसे लड़की सी। तो इसके लिए ना गाइस अभी फटाफट सो लेते हैं, अभी रात के यार 10:30 बज चुके हैं, तो अभी सोते हैं गाइस और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और हम आपसे मिलते हैं ना कल अच्छी सी वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड जय हिंद।